इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरप्ट प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है किसी भी तरह के इंटरप्ट के लिए, तो प्रोग्रामर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सटर्नली या फिर थ्रू द प्रोग्राम सेट करना होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल को इस तरीके से कि यह टाइप प्रिफरेबली हो CS के साथ और IP एड्रेसेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ। मेथड ऑफ डिफाइनिंग द इंटरप्ट सर्विस रूटीन फॉर सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर इंटरप्ट जो होता है वो सेम होता है। नीचे दिए गए डायग्राम में यह शो किया गया है कि एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के केस में। यहाँ पर यह ज्यूम किया गया है कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल इनिशियलाइज होता है सूटेबली टू पॉइंट टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड लिखा गया है एज्यूम कोड सेगमेंट कोड DS डेटा, ठीक है, ऐसा लिखा गया है डेटा सेगमेंट डेटा एंड्स कोड सेगमेंट और INT और 09H इन सभी का इस्तेमाल हुआ है। और NP कब आ रहा है, NP आ रहा है जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ISR 09H को, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये ISR 09H क्या है, ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन है टाइप 09H के लिए। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फॉर नेस्टेड इंटरप्ट के लिए। जो मेन प्रोग्राम रहता है, सपोज मेन प्रोग्राम में है INT 0AH और मेन प्रोग्राम यहाँ पर एंड होता है। अब यदि हमने सेट किया है ISR 0AH को, तो ये कंट्रोल चला जाएगा इसमें। INT 0BH सेट किया है तो कंट्रोल चला जाएगा ISR 0BH पे, और यदि हमने ISR 0BH को एंड किया तो कंट्रोल चला जाएगा INT 0BH पे। प्रोग्राम 4.3 में यह कहा गया है कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जो एक ऐसा फाइल क्रिएट करेगा जिसका टाइटल होगा रिजल्ट, और इसे स्टोर करना है 500H बाइट्स फ्रॉम द मेमोरी ब्लॉक जो स्टार्ट हो रहा है 1000 से। यदि मान लीजिए एक इंटरप्ट अपीयर्स होता है INTR पिन पे टाइप 0AH के साथ, या फिर एक इंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट होता है एबव इंटरप्ट के एग्जीक्यूशन के। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि पिन IRQ2 अवेलेबल है एट IO चैनल ऑफ PC जो कि इक्विवेलेंट है टू टाइप 0AH इंटरप्ट के। एज्यूम करते हैं CS यानी कोड, DS यानी डेटा, डेटा सेगमेंट, फाइल नेम DB रिजल्ट S, मैसेज क्या है DB फाइल वॉजेंट क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ हमने क्या दिया, डेटा एंड्स दिया है, कोड सेगमेंट दिया, स्टार्ट में हमने दिया मूव AX कोड, यानी कि कोड डेटा मूव होगा AX में। यदि हम लिखते हैं मूव DSX तो क्या होगा, DS टू सेट होगा एट कोड फॉर सेटिंग IVT। यदि हम लिखते हैं मूव DX ऑफसेट ISR 0A तो यहाँ पर DX सेट होगा एट द ऑफसेट ऑफ ISR 0A। यदि हम लिखते हैं मूव AX 250H तो IVT सेट होगा यूजिंग फंक्शन वैल्यू 250H इन AX। यदि हम लिखते हैं INT 21H तो यह होगा अंडर INT 21H। यदि हम लिखते हैं मूव DX ऑफसेट फाइल नेम तो इसमें क्या होगा, पॉइंटर सेट होगा फाइल नेम पे। यदि हम लिखते हैं मूव AX डेटा तो इसमें क्या होगा, डेटा सेगमेंट सेट होगा एट डेटा फॉर फाइल नेम। इसके बाद हमने लिखा मूव DS AX, मूव CX 00H और मूव AH 3CH। यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट होगा फाइल विद द फाइल नेम रिजल्ट। यदि हम लिखते हैं INT 21H उसके बाद हम लिखते हैं GNC फर्दर तो यदि हम कोई भी कैरी नहीं होगा तो क्रिएट ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, यदि नहीं तो डिस्प्ले होगा मैसेज। मैसेज में क्या आ जाएगा, मूव DX ऑफसेट मैसेज मूव AX 09H INT 21H GNP स्टॉप, यहाँ पर जंप क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये हो जाएगा फर्दर सक्सेसफुली INT 0H यदि फाइल क्रिएटेड होगा तब। मूव AH 4CH राइट होगा इसमें और रिटर्न हो जाएगा। INT 21H DOS प्रॉम्प्ट में होगा और इंटरप्ट सर्विस रूटीन राइट्स करेगा 500 बाइट्स इनटू द फाइल रिजल्ट। ISRO 0A क्रॉस नियर मूव BX AX, ये क्या होगा, फाइल हैंडल होगा BX में। मूव CX 500H बाइट काउंट होगा CX में। यदि हम लिखते हैं मूव DX 1000H तो ऑफसेट ऑफ ब्लॉक होगा इन DX। यदि हम लिखते हैं मूव AX 1000H तो होगा सेगमेंट वैल्यू ऑफ ब्लॉक इन DS, मूव DS AX। यदि हम लिखते हैं मूव AH 40H तो राइट होगा इन द फाइल और रिटर्न। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले इसे असेंबल करना पड़ेगा यूजिंग MASM.exe, इसे लिंक करना पड़ेगा यूजिंग link.exe, उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा above प्रोग्राम को DOS prompt में। एग्जीक्यूशन होने के बाद हमें मिलेगा एक न्यू फाइल रिजल्ट डायरेक्टरी में। उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एक एक्सटर्नल पल्स टू IRQ2 पिन ऑफ द IBM PC IO चैनल। यह अगेन कॉज करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो राइट करेगा 500H bytes into the फाइल। ज़्यादा डिटेल्स ऑफ DOS फंक्शन कॉल्स अंडर INT 21H के लिए हम रिफ़र कर सकते हैं MS-DOS इंसाइक्लोपीडिया या फिर MS-DOS
टेक्निकल रेफरेंस के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।